2014 में कांग्रेस अगर पस्त हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार था, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसने कांग्रेस को हिंदू विरोधी भी साबित करने का दोहरा वार कर दिया, कभी राम मंदिर पर तो कभी गंगा मैया पर। बीजेपी हमेशा एक तीर से दो शिकार करती रहती, पहला हिंदू वोटर होता और दूसरा निशाना कांग्रेस पर होता। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बनकर उभर गई, लेकिन प्रियंका और राहुल इस छवि को बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी मंदिर मंदिर गए, कभी शिव भक्त रूप धारण किया तो कभी राम भक्त, खूब सुर्खियां बटोरी। आपको याद होगा राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपना गोत्र भी बताया था, जिसके बाद पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की और अब प्रियंका भी वही कर रही हैं। प्रियंका ने हनुमान जी के दर्शन के साथ गंगा यात्रा शुरू की है, कोशिश यही है कि पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को तोड़ा जाए। गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी कई जिलों से गुजरेंगी और जहां जहां वो जाएंगी वहां वो मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलेंगी, क्योंकि सियासी मेहनत के साथ साथ वो धार्मिक मुद्दा भी बनाए रखना चाहती हैं। शीतल माता मंदिर, सीता जी के मंदिर और भगवान शिव के मंदिर में प्रियंका दर्शन करेंगी। इसके अलावा जितनी सभाएं वो करेंगी उसमें माँ गंगा की गंदगी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि सवाल गंगा की गंदगी से ज्यादा उस गंदगी का है जो पिछले कई दिनों से पार्टी पर हिंदू विरोधी के रूप में चिपका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।